हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर किचन ब्लॉग। होप्स हो कि आप सारे के सारे ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से मज़ेदार और टेस्टी सा नाश्ता, जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नाश्ता एकदम से क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और खाने में काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार, बच्चों को तो खूब पसंद आएगा। बच्चों और बड़ों दोनों को ही पसंद आएगा। देखिए, मैंने 3 कच्चे आलू लिए हैं, इनको पील ऑफ कर लेते हैं। तो आलू को मैंने पील ऑफ कर लिया, अब इनको कद्दूकस कर लेंगे। एक मैंने बर्तन ले लिया है, तो देखिए बड़े साइज के छेद से हमने इसको कद्दूकस कर लेना है, ताकि लच्छे हमारे बड़े बड़े बनकर तैयार हों। फ्रेंड्स, ये नाश्ता झटपट से बन जाता है और खाने में काफ़ी टेस्टी भी है, और कुछ नया भी हो जाएगा नाश्ता में। तो देखिए, आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, अब इसमें पानी डाल के रख देंगे, ताकि जो इसमें स्टार्च है वो निकल जाए। और इसे 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करने के बाद छलनी में डाल के रख देंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और आलू के लच्छे हमारे एकदम से सूख जाएँ। तो देखिए, छलनी में डाल के इसे 5 मिनट के रख देंगे, ताकि जिसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए, पानी हमारा बिल्कुल निकल चुका है। तो उस बर्तन को हम कर लेंगे साफ, और आलू उसमें ही डाल देंगे हम सारे कटे हुए लच्छे आलू के। तो देखिए, आलू बिल्कुल सूखे हुए। अब इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच कॉर्नस्टार्च, और थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी। इसको कर लेते हैं मिक्स। पहले 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च डालेंगे, उसके बाद में 1/2 चम्मच और डाल देंगे। ये नाश्ता बच्चों और बड़ों दोनों को खूब पसंद आएगा। अगर आपके पास मैजरोला चीज हो तो आप इसमें मैजरोला चीज भी कसकर डाल सकते हैं। इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। नमक डालने से आलू हमारा पानी रिलीज कर देगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, आलू में से हमने पानी को निकाल लेना है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे। उधर गैस पर रख दिया मैंने तवा, तवा पे डाल दिया थोड़ा सा घी या ऑयल, आप लगा सकते हैं बिल्कुल मामूली सा। उसके ऊपर डाल देंगे आलू के लच्छे और इनको फैला देंगे। आप चाहे तो इन्हें गोल शेप में बना सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। मैं इसे चौकोर शेप में बना रही हूँ। देखिए, लच्छे को अच्छे तरह से चारों तरफ फैला देंगे। इसे ज़्यादा पतला ना बनाए और ना ही ज़्यादा मोटा बनाए, मीडियम साइज़ का हमें इसे बनाना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से शेप दे दी है, और इसको हमने 5 मिनट के लिए आराम से धीरे धीरे गैस पर, हमने धीमी गैस पर इसको पकाना है। तो इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं, आप चाहे तो इसे खुले पर भी पका सकते हैं। तो देखिए, इसके चारों तरफ एक बूंद मैंने ऑयलिंग कर दी है। तो देखिए, आलू का नाश्ता हमारा धीरे धीरे पकने लगा और ऊपर से ड्राई हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, इस तरह से इसको ढीला कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि हमें इसे पलटने में आसानी हो। जब एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा, तब हम इसे पलट देंगे दूसरी तरफ। तो देखिए, इसको पलट देंगे, इसी तरह से हमें दूसरी तरफ से भी पका लेना है। इसको मीडियम टू लो गैस पे हमने इसको पकाना है, ताकि ये हमारा आलू का पराठा कच्चा ना रहे और न ही ज़्यादा एकदम से जले। धीरे धीरे पकेगा तो ये क्रिस्पी होगा। तो देखिए, इस तरह से इसे अल्ट पलट करके 2-3 बार अच्छे से पका लेंगे। आप इसे ढक के भी रख सकते हैं इस तरह से, कोई जाली के बर्तन, ताकि भाप हमारी निकल जाए।
और ये नाश्ता हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो लीजिए, तैयार है कच्चे आलू का मज़ेदार और टेस्टी सा नाश्ता जो खाने में है काफ़ी मज़ेदार। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आप इसके ऊपर चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो इसको काट लेते हैं। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल पका हुआ। देखिए, तैयार है हमारा आलू का मज़ेदार और टेस्टी सा नाश्ता।